नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सेशन प्लान के बारे में कि जो असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन लेवल 3 का सेशन प्लान होता है वो क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है इसके अंदर और ट्रेनिंग में क्या क्या कराया जाता है। दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारे इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो हम जानते हैं सबसे पहले कितने दिन का होता है सेशन प्लान और कितने घंटे का होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये है प्रैक्टिकल और थ्योरी और सॉफ्ट स्किल कितने कितने घंटे का है। प्रैक्टिकल हम करवाते हैं दोस्तों 290 घंटे का। दोस्तों, लगभग ये जो प्रैक्टिकल है, अभी आप देखेंगे इस जो असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का टोटल घंटे का कोर्स होता है वो होता है 440 घंटे का। 440 घंटे में से हम थ्योरी करवाते हैं 110 घंटे मात्र, थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा। प्रैक्टिकल्स के अंदर क्या कराया जाता है दोस्तों, प्रैक्टिकल के अंदर वो कराया जाता है जैसे कि हाउस वायरिंग हुआ और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के जॉब रोल से रिलेटेड उनका जॉब रोल्स के क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, उनको वहाँ बाद में जाएंगे तो उन्हें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, इनकी सारी ड्यूटीज़ के बारे में इस कोर्स के अंदर बताया जाता है। साथ में दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जिसको बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स वो भी सिखाई जाती है, उसके हैं दोस्तों 40 घंटे। तो सॉफ्ट स्किल के हम 40 घंटे कवर करते हैं और प्रैक्टिकल के अभी मैंने आपको बताए हैं 290 घंटे होते हैं और थ्योरी के कितने होते हैं दोस्तों 110 और सॉफ्ट स्किल के 40 घंटे। तो इस प्रकार हमारे कोर्स में टोटल जो हावर्स होते हैं वो कितने होते हैं 440 घंटे। तो असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का जो जॉब रोल है वो टोटल ये जो कोर्स है ये 440 घंटे का होता है। अगर हम इनको डिवाइड करें डे में तो हम इसमें पर डे 8 घंटे की क्लास होती है और एक होती है 4 घंटे की। अगर हम 4 घंटे की क्लास करेंगे तो दिन बढ़ जाएंगे और 8 घंटे की क्लास के हिसाब से करेंगे तो दिन घट जाएंगे, मतलब आधे हो जाएंगे। तो दोस्तों जानते हैं हम 440 घंटे हैं डेली 8 घंटे की हावर्स क्लास के हिसाब से हम जान लेते हैं कि ये कितने दिन का कोर्स होता है। तो अभी आपके सामने एक सेशन प्लान जो है शुरू में मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया है और अभी आप देखेंगे सेशन प्लान के अंदर 8 घंटे मैंने इसमें कवर किए हैं पर डे के हिसाब से 8 घंटे का सेशन प्लान है। तो मैं सबसे पहले इधर लेके चलता हूँ कि जो हमारी क्लास स्टार्ट का टाइम है वो 9 बजे से है, 9 बजे से 10 बजे तक एक लेक्चर जिसको हम डोमेन कवर करेंगे और डोमेन के अंदर क्या होता है दोस्तों, थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग अलग हैं, डोमेन के अंदर भी थ्योरी और प्रैक्टिकल्स अलग अलग हैं। तो मैंने अभी 9 से 10 के अंदर सबसे पहले थ्योरी कवर की है कि बच्चे आएंगे 9 बजे से 10 बजे तक और उन्हें सबसे पहले थ्योरी कराई जाएगी। थ्योरी में वो बताया जाएगा प्रैक्टिकल आज हमें क्या करना है और क्या क्या वर्क हमें करने हैं। तो दोस्तों ये जो हम बताते हैं ये थ्योरी के लेक्चर में बताते हैं और जो थ्योरी के लेक्चर में जो बताया जाता है कि आज सारे दिन का जो क्या हम करवाएंगे, थ्योरी कितनी घंटे की है, प्रैक्टिकल कितने घंटे का है और थ्योरी में हम क्या पढ़ाने वाले हैं आज, ये सारी चीज़ें हम सेशन प्लान के हिसाब से करवाते हैं। तो सेशन प्लान में अभी आप सामने देख रहे हैं ये यहाँ पे पहले दिन का सेशन प्लान मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले दिन का विद्यार्थियों का परिचय करवाना है और उनके इलेक्ट्रीशियंस के बारे में बताना है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगी ये सारी चीज़ें उनको स्पष्ट देगी हमें बताना होता है। उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं फिर 10 से 1:30 बजे तक उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था प्रैक्टिकल का जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए प्रैक्टिकल के घंटे ज़्यादा कवर करते हैं। उसके बाद में है थ्योरी, वो लंच आ जाता है। लंच का टाइमिंग जो है मैंने आपको बताया था आधे घंटे का है, 8 घंटे की डेली क्लास रहती है, 9 से लेकर के 5:30 बजे का टाइम है और जस्ट 2 बजे तक, 2 बजे के बाद में क्या है 2 से 3 बजे तक थ्योरी और फिर सॉफ्ट स्किल और फिर प्रैक्टिकल। इसी प्रकार से ये हमारा सेशन प्लान है वो एक दिन का
कवर होता है। इसी प्रकार हमने इसको जो सेशन प्लान है वो हमारा पूरा 55 दिन का हम इससे कवर करते हैं। 55 दिन की हो दोस्तों, 440 घंटे का कोर्स है हमारा। 440 घंटे में हम अगर 8 का भाग देंगे तो ये कितने दिन निकल के आते हैं, 55 दिन। और इसी हिसाब से हम इससे जो हमने ये सेशन प्लान बनाया हुआ है एक QP के अकॉर्डिंग और मॉडल करिकुलम के अकॉर्डिंग इसे डेवलप किया है। इसे डेवलप करने में मेरे को 5-6 दिन लगे थे दोस्तों। अगर आपको हमारा ये सेशन प्लान अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इसे वीडियो को लाइक करें एवं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों ये है हमारा जो सेशन प्लान है, ये टोटल 55 दिन का है, मैंने अभी आपको बताया था। और इसको देखोगे आप, मैंने ही बनाया है, ये मेरा नाम है दोस्तों केसरी नंदन, मैंने ही इसे बनाया है। तो अभी आप देखेंगे ये टोटल अभी 42 दिन का हो गया है और इसी प्रकार से ये टोटल हो जाएगा हमारा 55 दिन का। अभी मैं आपको लेके चलूँगा इसके अंदर ये। तो अभी हमने एक चीज़ देखी थी दोस्तों कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल्स करेंगे, क्या थ्योरी पढ़ाई जाएगी और सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें इस सेशन प्लान के अंदर दी हुई है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको एक बार फिर से इसको चालू कर देता हूँ पेज नंबर 1 से। तो दोस्तों अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपना पहला पेज है। और इसके बाद में आप ये वाला इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, ये वाला। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ मैं, दूसरे वाले पेज पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो दूसरे वाले पेज का। अब मैं 14 दिन के बाद में लेके चलूँगा आपको यहाँ से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। तो आप अगर खुद भी बनाना चाहे तो आप QP और मॉडल करिकुलम में जाके उसको पढ़ करके आप एक एक दिन का डेवलप कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट आउट भी कर सकते हो। उसके बाद में है दोस्तों चॉइस के बाद में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। उसके बाद में इसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए नेक्स्ट पेज का, ये आपको काम आएंगे, बैच फाइल के अंदर भी लगाने होते हैं हमें। और इसके बाद में ये भी नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आपको लेना है। अब ये 33 दिन का हो गया है। उसके बाद में हम चलते हैं अब 34वें दिन, हमें क्या पढ़ाना है उसका, ये वाला स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद में अब आपको चलना है नेक्स्ट, ये वाला ले लीजिए यहाँ से एक, ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। उसके बाद में ये है 43 दिन से लेकर के एक, हाँ अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक आप। ये हमें दोस्तों इसके अंदर ये बताते हैं कि पर डे हमें क्या पढ़ाना है, क्या हमारे पूरे दिन की प्लानिंग रहेगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। और अब ये नेक्स्ट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले रहे होंगे स्क्रीनशॉट शायद आपको, मैं और नेक्स्ट आगे ले कर चलता हूँ। ये वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 54 पेज तक का है, 54 डे तक का। अब लास्ट फाइनल वो मैं आपको बता देता हूँ एक, ये वाला ले लीजिए। अभी हमने 54 दिन का तो उसमें कवर ही कर लिया था ना, अभी लास्ट रह गया। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन प्लान की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको हमारा ये सेशन प्लान अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। और अगर आप असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के जॉब रोल से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के वीडियोस जो QP से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बनाए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। मॉडल करिकुलम से ही मैंने वो क्वेश्चंस बनाए हैं, आपको वो क्वेश्चंस परीक्षा के अंदर भी हेल्प करते हैं। और मैंने उनके अंदर परीक्षा में जो पर्सन आते हैं
50 से लेकर के 80% तक मैंने उसके अंदर जो परीक्षा में आते हैं वही क्वेश्चन कवर किए हैं। तो दोस्तों अगर आपने वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसके अंदर से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम, अब मिलेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।